Hi, I'm Jyoti Patel and I'm playing mother of the heroine. And बस ये फिल्म में मैं इन लोगों को थोड़ा परेशान करती हूँ, शादी होने नहीं देती हूँ एंड थोड़ी सी मस्ती धमाल है. अब देखो. Okay, how did you cast in the film? They called me for audition and I was selected. Thank you so much. और मुझे रिश्ते में तो देखा ही होगा शायद आप लोगों ने. I was playing jury 4% in that film. और बाकी भी बहुत सारी फिल्में और सीरियल्स और एड्स की है मैंने. दैट्स इट. एंड ये फिल्म ज़रूर देखिएगा. आई विश कि ये बहुत अच्छी फिल्म हो और लोगों को ज़रूर पसंद आए. थैंक यू. हेलो, मारू नाम छे पार्थ रावल अने आ फिल्म में हूँ पक्कानो कैरेक्टर करी रह्यो छूं. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी. हेलो, मेरा नाम है पार्थ रावल और इस फिल्म में मैं पक्का का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो एक कुक है जिसे अपना एक बड़ा होटल खोलना है. और ये लड़की मिलती है फॉरेन रिटर्न, सो जुड़ जाते हैं सब. किस तरीके से आप कास्ट हुई आपकी फिल्म? एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट अ मैसेज फॉर द ऑडिशन एंड ही टोल्ड मी, सो चले गए ऑडिशन देने. सो एंड आई गेस 10 से 15 दिन बाद कॉल आ गया इनका कि वी शॉर्ट लिस्टेड यू एंड इट्स डन. एनी फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस? एनी फाइनल मैसेज, बहुत ही कॉमेडी फिल्म है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है. और एक वर्ड जो है बबूचक, वो आपके माइंड में बस चलता ही रहने वाला है इसके बाद. थैंक यू. राहुल जी, ये इस फिल्म के बारे में अच्छा, मुझे फिल्म को शूट करते हुए काफ़ी मज़ा आया. अगर कहानी की बात की जाए तो चार लड़कों के सपने हैं अपने अपने, उनके सपनों की कहानी है, जो आज की यंग जनरेशन इजी मनी मतलब यू नो पैसा आसानी से कमा के बड़ा बनने की कोशिश करती है. तो अब ये चार लड़कों का भी ऐसा ही कुछ सपना है और मैंने फिल्म में यही दिखाया है कि किस तरीके से ये अपने सपने को पूरा करने के लिए, और ज़रिया उनको ये एक NRI लड़की जो मेरी फिल्म में है वो है उसका ज़रिया. तो किस तरीके से वो उसके टच में आते हैं और क्या उन लोगों की शादी हो पाती है. वो लड़की जो है वो इंडिया में शादी करने आई है, चार लड़के हैं, तो वो क्या इनमें से किसी एक से शादी करती है, उनके सपने चारों के पूरे हो पाते हैं या किसी एक के पूरे हो पाते हैं. इट्स ऑल अबाउट द फिल्म. फिल्म देखकर लगा कि गोलमाल की याद आ गई, एक लड़की चार लड़के थे, तो कुछ गोलमाल से इंस्पायर्ड फिल्म? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम डिफरेंट है. अगर कहा जाए तो बिल्कुल गोलमाल और बैंड बाजा बबूचक का कोई लेना देना नहीं है. बेहतर शायद आप लोग तब समझ पाएंगे जब आप इस फिल्म को देखेंगे. बैंड बाजा बारात, अगर आप कंपेयर करेंगे तो बैंड बाजा बारात एक शादी का मंडप डेकोरेटर जो लोग करते हैं उनके ऊपर बेस्ड थी. मेरी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है. चारों लड़कों का अपना एक ड्रीम है, अपने सपने हैं उनके, तो इसको मैं बैंड बाजा बारात से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करूँगा. एनी फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस? फिल्म देखने जाइए. बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू. फिल्म कैसी बनी और कितनी सेटिस्फाइड है आप डायरेक्टर के काम से, एक्ट्रेस के काम से? मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ. मैंने जिसे सोचा था उससे इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम निकल के आया है. मुझे होप है कि जब लोग पब्लिक उसको देखेगी तो ज़रूर पसंद करें. क्योंकि बैंड बाजा भारत भविष्य को कैटल है और इस फिल्म का जो कुछ कुछ हिस्सा आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता हो, कुछ लड़के रहे हो जो आपके दीवाने रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये बस आजकल के यंगस्टर्स के ऊपर है जो छोटे छोटे सपने देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे कर लें और वैसे कर लें, बस उसके ऊपर ही निर्भर ये पूरी फिल्म है. तो इट डजंट हैव एनी पार्ट रिलेटिंग टू माय लाइफ. कुछ कुछ आपने इंस्ट्रक्शन दिए हो डायरेक्टर को, कुछ फिल्म ऐसी बननी चाहिए, इतना पैसा खर्च होना चाहिए, मतलब प्रोड्यूसर का काम बहुत टेंशन वाला होता है. बिल्कुल ज़्यादा आपने पैसे को पानी की तरह बहाया? नहीं, मैंने बिल्कुल भी पैसों को पानी की तरह नहीं बहाया और बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ इन बजट ही किया मैंने. ये हम लोगों की पहली मूवी जो है, गुजराती मूवी हम लोगों ने रिलीज़ करने का प्लान किया है. एंड इसके पहले जो जितनी थी हिंदी मराठी थे एंड रीजनल में और भी जगहों पे, एंड ये हम लोग की पहली पिक्चर है. तो देखें, लेट्स होप दैट इज़ इट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू दैट. और गाने बड़े अच्छे हैं और ये बहुत यूथ ओरिएंटेड पिक्चर्स थी, तो हम लोगों ने प्लान किया कि इस मूवी को लिया जाए. एंड फिर इसमें जो प्रोड्यूसर है निधि चौहान एंड राहुल जी जो है वो डायरेक्टर हैं इसमें.
तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि म्यूज़िक बहुत अच्छा है एंड एक दिन में काफ़ी अच्छा रिव्यू और व्यू जो है वो मिला है ऑन यूट्यूब। बस देख रहे हैं कि ये अच्छा ही रहेगा, सबके लिए अच्छा होगा और हम लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि ये पहली हमारी गुजराती पिक्चर है, एज ए म्यूज़िक हम लोगों ने रिलीज़ किया है, तो देखें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए इस चीज़ पे और आगे भी जो है गुजराती पिक्चर्स करने की राय। नहीं, नुकसान अच्छी पिक्चर आप करें तो नुकसान तो कुछ नहीं है, वो तो पब्लिक डिसाइड करती है कि दरअसल म्यूज़िक कौन सा अच्छा है, कौन सा जो है सही है, कौन सा नहीं है। तो हम लोग वही प्लान किया है, हम लोग अपने ऊपर तो कुछ लेते नहीं, नॉर्मली जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर है सारे म्यूज़िक। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। बैंड बाजा बबू शक में भैलू का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो एक जिम ट्रेनर है और उसे अपना जिम खोलना है खुद का, जिसके लिए उसे 2-3 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। तो वो इधर उधर हाथ पैर मारता है लेकिन उसे एक मौका मिलता है कि एक NRI लड़की के साथ अगर वो शादी कर ले तो शायद उसका सपना जो है वो पूरा हो सकता है। कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया फिल्म, एक्चुअली मेरी फर्स्ट फिल्म है इसलिए बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत एक्सपीरियंस एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला। राहुल सर ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है फिल्म का, उसका USP है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है और सब ने काम भी बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा काम। बहुत मस्ती की हमने वैसे शूटिंग में, लेकिन जब ये बग्गी जब हम शूट कर रहे थे तब बहुत मज़ा आया था। एक्चुअली इस बग्गी में ये हो गया था कि इतनी धूप थी कि हमें जब पसीने जो है हमने नहा लिया था एक्चुअली, और गुजरात की गर्मी और हम आउटडोर शूट कर रहे थे तो पूरे भीग गए थे और एक दूसरे को टच भी नहीं कर पा रहे थे, इतने भीग गए थे। तब बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और उसे कैरी करके फ़ोटो खिंचवाना और एक्सप्रेशन देना, मूड में रहना, आई थिंक इट वॉज फन। फ्यूचर तो यही, बस अभी मैं मोमेंटम में विश्वास रखता हूँ, अभी इस मोमेंट में आपके सामने खड़ा हूँ, आपको अच्छे से जवाब दे दूँ तो दूसरा मोमेंट आएगा उसमें अच्छे से काम कर लूँ, मैं उसमें विश्वास रखता हूँ आगे तो बहुत मेरे ख्याल से। थैंक यू।